हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आप सभी को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि ट्रिपल आईटी में यहाँ पर जो एडमिट कार्ड को अवेलेबल कर दी गई है, एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर दिया गया, वो कहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, स्टार्ट करते बिना किसी देरी का, कैसे क्या करेंगे, किस तरह से आप वहाँ तक पहुँचेंगे, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो में देखने वाले आप स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आना और google.com ओपन करनी है, वहाँ पर टाइप करनी है ट्रिपल आई टी एडमिशन 2022 एंड IAS पेपर। IAS पेपर इज़ एन एक्सक्लूसिव वेबसाइट, एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको एक ऑथेंटिक, एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको ट्रिपल आई टी के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन जो होती है सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पर ट्रिपल आई टी एडमिशन 2022, यहाँ पर जस्ट क्लिक कर देना है। बस क्लिक करना है, देखते हैं कि आप ही ओपन होता है, ये इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। सो जब भी आप क्लिक करते हैं तो ये IAS पेपर का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होता है जहाँ पर आपको ट्रिपल आई टी में एडमिशन शुरू है। बट यहाँ पर क्या है, आपको एडमिट कार्ड को रिलीज़ किया गया है, एडमिशन तब थी, अभी एडमिट कार्ड चल रहा है। ठीक है, एडमिट कार्ड चल रहा है तो अभी एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, कैसे करना है तो ये चीज़ें जो है बताने वाला हूँ। और ट्रिपल आई टी का फुल फॉर्म जानना है तो यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडमिशन, ठीक है, सबसे पहले तो ये फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा जिसमें आपको फिल करने होते हैं आपके फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है अब तक की, वो बताने के बाद आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। तो इससे ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे आपके फ़ोन पे, ईमेल आईडी पे। सिंपली इसे कट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड आपकी रिलीज कर दी गई है। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो न्यू टैब में ओपन होते हैं एडमिट कार्ड के लिए। तो फिर से स्क्रॉल डाउन करनी होती है और यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड हैज़ बीन रिलीज फॉर PGEE एग्ज़ाम, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। सो वेरी सिंपल, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना होता है और आप फिर इजीली आप देख पाएंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएंगे और वहाँ से फिर अपना जो आगे का प्रोसेस है वो कम्प्लीट करेंगे। तो जस्ट वेट करना है क्योंकि इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। फिलहाल ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन तुरंत आ गया। ओके, तो लॉगिन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम जो भी होगा आपका यूज़र नेम डाल देंगे, या फिर यूज़र नेम नहीं होगा तो अपना जो भी होगा सब सारे इस प्रोसेस यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आपका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड जो भी आपका होगा पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे और फिर आप लॉगिन कर देंगे तो आप अपना रिजल्ट के पहले एडमिट कार्ड जो है आपका, अपना एडमिट कार्ड को देख पाएंगे। ये इजी वे है आपको एडमिट कार्ड को देखने को, यही एक तरीका है। तो ये ऐसे देखना है अपना एडमिट कार्ड और डाउनलोड भी करना होता है। जब भी आप एडमिट कार्ड को देख पा रहे हैं उसका डाउनलोड का ऑप्शन भी वहीं पे दिखेगा, कहीं ना कहीं वहीं पे ऑप्शन रहेगा और डाउनलोड कर लेंगे अपने एडमिट कार्ड को, यानी प्रिंट आउट या फिर डाउनलोड, दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा आपके पास वो कर सकते हैं। तो सिंपली अपना यूज़र नेम, यूज़र आईडी जो भी होगा लिखने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन कर देना, लॉगिन कर देंगे तो आपका हो जाएगा और एडमिट कार्ड को आप देख पाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके प्रोसेस है, अगर डाउट है डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके इस पेज पर आकर के अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए एंड डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई